बिल्कुल, हम स्टार्ट से आ रहे हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लेंस। अब देखिए, लेंस से रिलेटेड जो जनरल डेफिनेशन है, जो जनरल कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अ रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्टिव मीडियम का मतलब, देखिए बेसिक सारी चीज़ें आपने पहले भी डिस्कस की हैं, बस हम ओवरऑल इसका पूरा रिव्यू ले रहे हैं। लेंसेज का मतलब क्या होता है? अ रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग वन और बोथ स्फेरिकल सर्फेसिस। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा रिफ्रैक्टिव मीडियम, मतलब लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करे, कोई भी ऐसा रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसमें एक या दोनों सर्फेसिस कर्व्ड हो, इसको बेसिकली हम लेंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बाय कंडीशन ये चीज़ आपको पता है, और जनरली हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके होंगे कि इस जगह पे जो है ये तीनों लेंसेज बेसिकली हमारे पास कौन से? कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं? जो मिड में से थिक होते हैं और एजेस से हमेशा थिन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट टाइप ऑफ लेंस हमने शो किया है, ये हमारे पास कॉनकेव लेंसेज हैं। ये तीनों बेसिक कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज से रिलेटेड जनरल कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि ऐसा कोई भी लेंस जो कि मिड से थिन हो और एजेस से ये लेंस थिक हो, इस तरह के लेंसेज को हम बेसिकली कॉनकेव लेंसेज का सिंपली नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लेंस। अब देखिए, लेंस में जो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो बताया जाता है कि लेंस का जो साइज होता है, ये साइज ऑफ लेंस कहलाता है अपर्चर। ठीक है, एंड इसी तरह से कोई भी लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, किसी भी लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम दे सकते हैं। कॉन्वेक्स या कॉनकेव से इस पर कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइट रेज आई और कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, तो ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, इसे हम प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जनरल डेफिनेशंस जो हमारे पास होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या है कि द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाता है बेसिकली फोकल लेंथ। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप करके हम और चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पहले से इसकी जनरल स्ट्रक्चर वाली डायग्राम बनाई हुई है। ये जो इमेजिनरी लाइन बीच में से पास हो रही है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे लाके हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और इधर एक इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं या रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्यूबलाइट है, कोई सेवर है, कोई बल्ब है, कोई एलईडी लाइट है, जिससे लाइट रेज इमिट हो रही हैं, वो क्या है? वो ल्यूमिनियस है। और जिससे फॉर एग्जांपल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जैसे कोई इंसान है या बोर्ड है, फॉर एग्जांपल वॉल है, कोई भी चीज़ है, जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बाय कंडीशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ल्यूमिनियस है या रिफ्लेक्टेड है, इससे नॉर्मली हम दो लाइट रेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, और अक्सर जगहों पे एक लाइट रे को फोकस से पास करके भी यहाँ पे मिला के इमेज को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, मगर जो बेसिक हमारा आइडिया होना चाहिए वो दो लेंसेज के, मतलब लेंसेज के लिहाज से दो लाइट रेज पे इमेज फॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे पास हो सकती है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक, इस डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट रेज गई बैंड होके जिस पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं वहां पे एक इमेज फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर हम भी देख रहे होते हैं तो हम किस तरह से देखते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो है वो इमिट होती हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से लाइट रेज टकरा के हमारी आई के अंदर आती है। आई में क्या है? बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, आई के बैक साइड पर रेटिना पे कन्वर्ज करता है, और रेटिना पे जब इमेज बनता है तो वो थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स या ऑप्टिकल कॉर्ड्स के थ्रू हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जिस जगह पे लाइट रेज मिलेंगी वहां पे क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब बाय कंडीशन ये चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या है? यू, एंड इमेज डिस्टेंस का जो सिंबल है वो क्या होता है? वी। ठीक है, कुछ जनरल डिफरेंसेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इनकी वजह से अगले आने वाले टॉपिक्स में आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, जनरली हमने जो बात डिस्कस की थी उसी चीज को यहां पे थोड़ा सा और फोकस कर लिया कि ऐसे लेंसेज जो कि मिड से थिक हैं और एजेस से थिन हैं, ये बेसिकली क्या? कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंसेज जो मिड से थिन हैं और एजेस से थिक हैं, ये बेसिकली यहां पे कॉनकेव लेंसेज कहलाते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस अगर हम इसमें आगे शो करें तो हम कह सकते हैं कि लाइट रेज जब आएंगी तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। इस कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं, इसमें जब पैरेलल लाइट रेज आई तो पैरेलल लाइट रेज कॉनकेव से पास होने के बाद क्या होगा? डाइवर्ज करेंगी,
डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से कॉनकेव लेंस को अक्सर जगहों पे, जब आप बुक रीडिंग कर रहे होंगे, नोट्स रीडिंग कर रहे हो, कोई भी नेट पे आप चीज सर्च करके पढ़ रहे हो, तो कॉनकेव लेंस को अक्सर जगहों पे डाइवर्जिंग लेंस का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। एंड इसी तरह से एक जनरल रे डायग्राम ने बनाई कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2F से पहले की तरफ रखा हुआ है, एफ का डबल डिस्टेंस जो है वो सिंपली हम 2F काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे रख के हमने एक ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेस गई, एक लाइट रे पैरेलल फोकस से पास हुई, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली गई। याद रखिएगा, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे दूसरी तरफ अगर कोई भी इमेज डेवलप हो रहा है तो इसे स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करके देखा जा सकता है, और ऐसा इमेज जो राइट हैंड साइड पे बन रहा हो स्क्रीन के ऊपर ऑप्टेनेबल हो, इस तरह के इमेज को हम बेसिकली रियल इमेज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहां पे कॉनकेव लेंस था, कॉनकेव लेंस नॉर्मली ऑब्जेक्ट रखा सामने, एक लाइट रे गई पैरेलल डाइवर्ज हो गई क्योंकि कॉनकेव लेंस है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे हमेशा स्ट्रेट जाती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये दोनों लाइट रेज राइट हैंड साइड पे डाइवर्ज हो रही है, अब डाइवर्ज होती हुई लाइट रेज है, आप इनको जितना चाहे डेविएट कर दे राइट पे तो इमेज नहीं बन रहा ना। अगर इमेज बना के देखना है तो क्या करेंगे, बैक साइड डेविएशन करेंगे, और बैक साइड डेविएशन से ये जो एक इमेज डेवलप हो रहा है, इमेजिनरी सा इमेज डेवलप हो रहा है, इसको बेसिकली वर्चुअल इमेज का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जरा क्लियर रखिएगा कि अगर इमेज राइट पे बन रहा है तो इसका मतलब है वो स्क्रीन के ऊपर ऑप्टेनेबल है, वो रियलिटी में हम बना के देख सकते हैं, वो रियल इमेज कहलाता है। और अगर इसी तरफ आपने कोई इमेज जबरदस्ती डेवलप किया हुआ है, डेवलप हो नहीं रहा था, एट द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप इसको ड्रॉ करके देख रहे हैं, तो ये वर्चुअलिटी में डेवलप हुआ हुआ इमेज है, इसको हमेशा वर्चुअल इमेज का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पे, और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस से पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आ रहे, थोड़ा सा पहले कुछ चीजों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिले आगे इमेज फॉर्मेशन को समझने में और याद करने में, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर स्केल डायग्राम्स भी हैं। ये तो मैं सारी चीजें बोर्ड पे मैंने ड्रॉ की हुई हैं, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर इन सारे लेंसेज की पोजिशन को सारा शो करके, ऑब्जेक्ट को शो करके, फिर उसी लिहाज से इसकी इमेज फॉर्मेशन आप अपने तौर पर प्रैक्टिस में जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो बताया जाता है सिंगल सिंगल करके लाइट रेज, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ में से, मतलब फोकस में से क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसमें बिल्कुल भी डेविएशन नहीं आएगा, जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसी तरह से अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। केस नंबर थ्री, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होकर आए और फिर लेंस से क्रॉस करे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, मतलब केस नंबर वन का एक तरह से जो ऑपोजिट केस बन रहा है वो केस नंबर थ्री है कि लाइट रे अगर पैरेलल होती है तो फोकस से पास करती है, और लाइट रे अगर फोकस से पास होकर आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाती है, ठीक है। एंड इसी तरह से लास्ट वाली लाइट रे जो कि बहुत कम यूज होती है कि अगर कोई लाइट रे 2F से क्रॉस करके आ रही है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरे साइड के 2F से क्रॉस करके यहां पे पास होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस है इसको क्लियर रखिएगा ताकि इसके अकॉर्डिंग आगे जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ें और उसकी प्रॉपर्टीज लिखें या फिर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप आगे सॉल्विंग भी करें तो सॉल्विंग के लिहाज से सारी चीजें आपको पता हो, पास्ट पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, मेन टॉपिक है ये, ठीक है। अब इसमें सिर्फ करना क्या है, पहले समझ लें, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन पे रखना है और अलग अलग पोजिशन पे रख के हमें बस ये चेक करना है कि इमेज कहां पे बन रहा है और इमेज की प्रॉपर्टीज जो है वो यहां पे क्या होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा हमें बेसिकली चार प्रॉपर्टीज इसकी क्लियर होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, रियल या वर्चुअल का डिफरेंस क्या है, कि अगर इमेज दूसरी साइड पे डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है रियल है, और अगर उसी साइड पे जबरदस्ती करके डेवलप करना पड़ रहा है तो क्या वर्चुअल है। तो पहली प्रॉपर्टी हर केस में आपने ये याद रखनी है कि इमेज रियल बन रहा है या फिर वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपने ये देखनी है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, और इमेज उल्टा इस तरह से बन रहा है, मतलब इमेज इन्वर्टेड है या फिर इमेज अपराइट है या फिर इरेक्ट इमेज है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इमेज जो है वो इन्वर्टेड है या फिर अपराइट है। थर्ड प्रॉपर्टी इमेज का साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या है,
मतलब सेम इन साइज है, स्मॉलर इन साइज है, बिगर इन साइज है, मतलब मैग्निफाइड है, क्या है वो साइज लिखना है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज जो है वो आपको इस तरह से देनी होती है कि इमेज की लोकेशन क्या है, मतलब इमेज किस जगह पर डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हमने ये चीज डिस्कस की कि पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में ये देखनी है कि इमेज इन्वर्टेड है या फिर इमेज जो है वो अपराइट है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमें देखनी है साइज की, कि इमेज का साइज जो है वो स्मॉलर इन साइज है या इमेज जो है वो बिगर इन साइज है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें लोकेशन पे जाना है कि इमेज जो है वो किस जगह पे डेवलप हो रही है, इमेज की लोकेशन क्या है। ठीक है, अब आइए जरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। पहले ऑब्जेक्ट को रखा हमने बिफोर 2F, एक लाइट ट्रे गई पैरेलल फोकस से पास हुई, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट गई, इस जगह पे जाके एक इमेज बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ऐसे ही जनरली डिस्कस करते हैं कि भाई फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे इमेज बन रहा है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, रियल या वर्चुअल। तो पहली प्रॉपर्टी हमने लिख दी कि भाई फर्स्ट इमेज है तो फर्स्ट इमेज क्या होना चाहिए, मतलब इस वाली साइड पे इमेज बन रहा है, मतलब रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, कि इमेज अपराइट है या इन्वर्टेड है, मतलब सीधा इमेज बन रहा है या उल्टा इमेज बन रहा है। इमेज सीधा तो नहीं बन रहा, इमेज उल्टा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो यहां पे इन्वर्टेड है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं साइज की, कि इमेज का साइज क्या है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, सेम इन साइज है या फिर फॉर एग्जाम्पल जो है वो स्मॉलर इन साइज है, मैग्निफाइड है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इमेज के लिहाज से बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो बेसिकली स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी लोकेशन की, इमेज कहां पे बन रहा है, तो हम कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म बिटवीन F1 to F। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, इमेज रियल है या वर्चुअल है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इमेज अपराइट है या इन्वर्टेड है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज जो है वो हमारे पास स्मॉलर है, बिगर है, समथिंग क्या है, और फोर्थ प्रॉपर्टी इमेज की लोकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे देखिए, केस नंबर 2, कि ऑब्जेक्ट को हमने 2F पे रख दिया, 2F पे रखा, लाइट रेज गई, इमेज भी 2F पे ही बन गया। ये वाहिद कंडीशन है जिसमें यू एंड वी ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं, और किसी भी केस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ऐसे जनरली रिवाइज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आना चाहिए, इमेज दूसरी साइड पे तो है, इसका मतलब क्या है, इमेज रियल है, इमेज वही उल्टी इमेज डेवलप हो रही है, मतलब इमेज इन्वर्टेड है, इमेज का साइज इक्वल आ रहा है, मतलब इमेज इज सेम इन साइज, और इमेज कहां पे डेवलप हो रहा है, इमेज इज फॉर्म एट 2F। ठीक है, केस नंबर 3 पे आ जाइए। केस नंबर 3 में इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे 2F के बियॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने F एंड 2F के बीच में रखा, पहले 2F से पहले, फिर 2F पे, देन उसके बाद बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, अब यहां पे अगर हम कंडीशन देखें तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो किस जगह पर डेवलप हो रहा है, ये बियॉन्ड 2F है। इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, बाई कंडीशन डायग्राम में जरा गौर से देखिए केस नंबर 3, कि केस नंबर 3 के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इमेज राइट हैंड साइड पे डेवलप हो रही है, इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज मैग्निफाइड है, एंड इमेज किस जगह पे डेवलप हो रही है, बियॉन्ड 2F। ठीक है, इसी तरह से यहां पे अब कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ पे, दो लाइट रेज गई और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज हो गई पैरेलल। अब जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं उसके लिए हम कंडीशन ये डिस्कस करते हैं कि पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी पे जाके एक हाईली मैग्निफाइड इमेज जो है वो यहां पे डेवलप कर देंगी। इस कंडीशन को सिर्फ एज्यूम किया जाता है इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए, ड्रॉ नॉर्मली नहीं करते। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या आ गई, इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज हाईली मैग्निफाइड। सिर्फ इन्फिनिटी वाला जो इमेज है ये हाईली मैग्निफाइड होता है, बाकी सारी इमेजेस सिर्फ मैग्निफाइड होते हैं। ठीक है, तो इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज हाईली मैग्निफाइड एंड इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 5 जो कि नॉर्मली मैग्निफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से मैग्नीफाइंग ग्लास वाली कंडीशन क्या होती है, कि अगर यहां पे हम ह्यूमन आई की लोकेशन को भी रिप्रेजेंट कर दें तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की सिंपल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब बाय कंडीशन यहां पे लाइट रेस पास होने के बाद डाइवर्ज कर रही थी,
ये वाहिद कंडीशन है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, अब लाइट रेस डाइवर्ज कर रही है, मतलब राइट हैंड साइड पे तो इमेज नहीं बन सकता, प्रैक्टिकली नहीं बन रहा, मगर दूसरी साइड पे क्या ह्यूमन आई है, तो आई के थ्रू अगर हम बैक साइड डेविएशन करते हैं तो इस जगह पे एक इमेज जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इमेज बन रहा है ये इसी साइड पे बन रहा है, मींस के रियल इमेज नहीं है, ये क्या है, इमेज वर्चुअल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, इमेज इज वर्चुअल। सेकंड प्रॉपर्टी, इमेज इज अपराइट और इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज इज मैग्निफाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी, इमेज इज फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट और अपराइट, इमेज इज मैग्निफाइड एंड इमेज इज फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद लास्ट केस, अगर लाइट रेज आ रही है पैरेलल, ये इस तरह की कंडीशन होती है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो और लाइट रेज बहुत ज्यादा दूर से आ रही हो तो लाइट रेज पैरेलल आती है, पैरेलल लाइट रेज आके यहां पे एक बहुत छोटा सा इमेज डेवलप कर देती है। यानी इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सनलाइट आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में विंडो के साइड पर बैठे हुए, तो क्या होता है कि जब धूप आ रही होती है, सनलाइट आ रही होती है, तो पैरेलल लाइट रेज आती हुई नजर आती है, उसमें डस्ट पार्टिकल जो भी डेड स्किन हमारी होती है वो मूव करती हुई फील हो रही होती है, पता चल रहा होता है कि लाइट रेज जो है वो बिल्कुल पैरेलल आके जमीन के ऊपर या कारपेट के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही हैं और उससे पूरी विंडो का इमेज जो है वो जमीन के ऊपर डेवलप भी हो रहा है। यानी समझने की बात ये है कि भाई बहुत ज्यादा दूर से अगर लाइट रेज आएंगी तो लाइट रेज हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक है, जैसे सनलाइट आ रही है फॉर एग्जाम्पल, अब लाइट रेज पैरेलल आई, फोकस के ऊपर आके यहाँ पे एक इमेज डेवलप हो गया। ठीक है, अब ये जो इमेज है एज कंपेयर टू सन, ये तो बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है, तो हम राइट हैंड साइड के लिहाज से तो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं कि इमेज रियल होनी चाहिए, इमेज इन्वर्टेड होनी चाहिए, इमेज साइज अगर हम लिखें तो डिमिनिश हो सकता है, इमेज इज डिमिनिश और वेरी स्मॉलर इन साइज, एंड इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट एफ। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और मैंने पहले ही बता दिया कि आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करके पूरा तरीके से एक दफ़ा अपने हाथ से, पेंसिल से, स्केल से पूरा स्केच करके देखना है, ताकि इसकी स्केल डायग्राम्स भी आती हैं तो इसकी सारी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें ड्रॉ करनी परफेक्टली आती हों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन का सिर्फ एक ही केस है जो कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था डिफरेंसेज में, कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस पे ऑब्जेक्ट तो किसी भी लेंस के सामने रखा हो या ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा हो, सिर्फ दो लाइट रेज आती हैं, एक लाइट रे पैरेलल कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे स्ट्रेट चली गई, अब इससे तो लाइट रेज जाके डाइवर्ज हो रही है, मींस राइट हैंड साइड पे तो इमेज डेवलप नहीं हो सकता। अगर इमेज डेवलप करना है तो बैक साइड डेविएशन से यहाँ पे एक इमेज बना दिया, अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज हमेशा एक जैसी रहेंगी, मतलब इमेज जो है वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा, इमेज हमेशा जो है वो यहाँ पे क्या होगा, अपराइट इमेज होगा, इमेज जो है वो हमेशा स्मॉलर इन साइज होगा और हमेशा सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे इमेज जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, तो जनरल प्रॉपर्टीज की हमेशा एक जैसी रहती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमें सिर्फ ये अंदाजा होता है कि इमेज कितने टाइम मैग्निफाइड है, तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं, तो सुकून से सुनते रहिएगा ताकि ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इमेज कितने टाइम बिगर इन साइज है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, सिर्फ मैग्निफिकेशन से ये पता चलेगा। और मैग्निफिकेशन के लिए हमने हमें शो कर दिया कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यू, इमेज डिस्टेंस क्या है वी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड हाइट ऑफ इमेज को हम एच आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज डिस्टेंस की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 9 सेंटीमीटर है, देन आपको मालूम करना है मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आपने क्या किया, वी की वैल्यू कितनी थी 18 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू कितनी थी 9, डिवाइड कर दिया तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 2 टाइम्स के बराबर आ गई। यानी पहला जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट जो मेथड है वो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड कहलाता है कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट की हाइट देखी, फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ रही थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था 2 सेंटीमीटर। अब इमेज की हाइट कितनी है 4 और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2, यानी हाइट ऑफ इमेज 4 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, डिवाइड करें मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 2 टाइम्स के बराबर। और एग्जाम्पल के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि भाई किसी भी डायग्राम में आप इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दें या फिर आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करें,
आंसर सेम आना है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा क्या गिवन है। अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो पहले वाला रिलेशन यूज करें, और अगर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये सेकंड वाला रिलेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पूरे लेंसेज की लास्ट एप्लीकेशन मतलब विजन के टॉपिक पे आ रहे हैं। विजन के लिहाज से एक चीज तो याद रखिएगा पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हाई पावर लेंस या लो पावर लेंस का मतलब क्या है। अगर लेंस की थिकनेस ज्यादा है तो क्या होगा, वो लाइट रेस को ज्यादा बैंड करेगा, ज्यादा बैंड करेगा फोकस करीब बनेगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। यानी अगर पावर ऑफ लेंस ज्यादा हो तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। मींस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, लेंस की थिकनेस को बढ़ा दिया तो थिकनेस को बढ़ाने से क्या होगा, यहां पे पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। थिकनेस बढ़ती है, पावर इंक्रीज होती है, फोकस करीब बनता है एंड फोकल लेंथ कम हो जाती है। और अगर लो पावर लेंस है यानी लेंस की थिकनेस कम है तो फिर क्या होगा, लाइट रेस की बैंडिंग जो है कम होगी और लाइट रेज माइनर सा बैंड करेंगी, माइनर बैंड करेंगी, दूर जाके मिलेंगी, दूर जाके मिलने से क्या होगा, फोकल लेंथ हमेशा बढ़ जाएगी। मींस पावर ऑफ लेंस कम तो लाइट रेज की बैंडिंग भी कम, लाइट रेज दूर जाके मिल रही है मतलब फोकल लेंथ यहां पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इस सारी चीजों को हम विजन के टॉपिक में और डिफेक्ट्स ऑफ विजन में यूज भी करते हैं। ठीक है, देखिए परफेक्ट विजन क्या है, अगर आईसाइट बिल्कुल भी वीक नहीं हुई हुई, ठीक है, अच्छी बात है, क्या आईसाइट अगर बिल्कुल भी वीक नहीं हुई हुई तो कंडीशन क्या होगी, लाइट रेज आएंगी, आई लेंस से पास होंगी, आई लेंस एग्जैक्टली कन्वर्ज करेगा रेटिना पे जो कि हमारे आई के बैक साइड पे स्क्रीन होती है, वहां पे इमेज बनेगा और ये इमेज फिर ऑप्टिकल नर्व्स या ऑप्टिकल कॉर्ड्स के थ्रू हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी चीज में थोड़ा डिटेल में सोचना होता है तो ये सारे मैसेजेस हमारे ब्रेन में जा रहे होते हैं, और जहां पे रिफ्लेक्स एक्शन है मतलब बहुत तेज हमें उसका रिप्लाई देना होता है तो ये सारी चीजें हमारी स्पाइनल कॉर्ड डील कर रही होती हैं। बहरहाल ये तो परफेक्ट विजन था, इसमें वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दो डिफेक्ट्स हैं, शॉर्ट साइडेडनेस और लॉन्ग साइडेडनेस। ठीक है, इसके लिए बस ये चीज याद रखिएगा, शॉर्ट या लॉन्ग साइडेडनेस में क्या है, शॉर्ट साइडेडनेस में जो आई लेंस है बस वो शॉर्ट हो जाता है और लॉन्ग साइडेडनेस में आई लेंस जो है वो सिंपली लॉन्ग हो जाता है। इस तरह से इसको क्लियर रखिएगा। अब शॉर्ट साइडेडनेस में क्या हुआ कि जो आई लेंस है वो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा शॉर्ट हो गया। अब लेंस अगर शॉर्ट होगा तो लाजमी सी बात है थिकनेस बढ़ गई, जब थिकनेस इसकी इंक्रीज होगी तो थिकनेस इंक्रीज होने से क्या होगा, पावर बढ़ेगी, और अगर पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ तो कम हो जाएगी ना, यानी फोकस करीब बन गया, रेटिना पे फोकस नहीं बना, इट मींस के क्लियर इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहां पे ब्लर सा धुंधला सा इमेज बना और यही ब्लर इमेज हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो ट्रांसफर हो गया और हमें चीज क्लियर नजर नहीं आई। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गया है तो इसका रिमूवल या इसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं कि इसके आगे हमने क्या किया, आई लेंस के आगे की तरफ एक कॉनकेव लेंस यूज कर दिया। अब ये ग्लासेस की फॉर्म में या कॉन्टैक्ट लेंसेस की फॉर्म में कॉनकेव लेंस यूज करना था। कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, अब जब लाइट रेज आएंगी तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज होने के बाद जब लाइट रेज आई लेंस के अंदर जाएंगी जो कि ज्यादा थिक हुआ हुआ था तो उससे कन्वर्ज होने के बाद एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा और फिर ये क्लियर इमेज हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट साइडेडनेस है, आई लेंस शॉर्ट हुआ हुआ है, पावर बढ़ी हुई है, फोकल लेंथ कम हुई हुई है तो हम कॉनकेव लेंस यूज करके ये वाला डिफेक्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से लॉन्ग साइडेडनेस, लॉन्ग साइडेडनेस इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली 40 ईयर्स के बाद होता है, जनरली नहीं होता कम एजेस में। लॉन्ग साइडेडनेस में क्या होता है, आई लेंस जो है वो स्ट्रेच हो गया, आई लेंस लॉन्ग हो गया। आई लेंस लॉन्ग होने का मतलब क्या है कि आई लेंस का साइज बढ़ने से इसकी थिकनेस कम हो गई, पावर कम हो गई और फोकल लेंथ यहां पे बढ़ गई। अब जब फोकल लेंथ बढ़ गई तो लाजमी सी बात है लाइट रेज ये हल्की सी बैंड होगी, जब माइनर बैंडिंग होगी, माइनर रिफ्रैक्शन होगा तो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर फोकस तो बनेगा नहीं, यहां पे तो ब्लर सा धुंधला सा इमेज बनेगा और यही ब्लर यही धुंधला इमेज हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब चीजें हमें क्लियर नजर नहीं आएंगी। अब इसमें हुआ क्या है, लॉन्ग साइडेडनेस में आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। कन्वर्जिंग पावर कम होने का मतलब अब हमें सपोर्ट में कन्वर्जिंग लेंस ही चाहिए होगा। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो आपने इसके सपोर्ट में क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। अब जब लाइट रेज आई तो पहले ही कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रेज कन्वर्ज हो गई और कन्वर्ज होती हुई लाइट रेज जब आई लेंस के अंदर आई, आई लेंस ने इनको माइनर से कन्वर्ज किया और एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर जाके इमेज बना और ये इमेज हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस,
हम लॉन्ग साइडेडनेस को रिमूव कर सकते हैं, और बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस हम शॉर्ट साइडेडनेस को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है, जो भी हमने लेंसेज से रिलेटेड इसका एक फास्ट रिव्यू लिया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, फिर भी इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो लाजमी सी बात है हम व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल होते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो और भी डिस्कस कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपने जो है इन सारी चीज़ों को एक फास्ट रिकॉल करना है, इसको रीड करना है, देन इसके बाद इसके पास्ट पेपर्स जो है वो अपने सॉल्व करने शुरू करने हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। थैंक यू।